लिफ्ट बोले सर, कुछ अलग तरह का खुलासा है और बड़ी रिकवरी है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं सर, क्या है पूरा मामला, किस तरह खुलासा है? पूरा प्रक्रिया ये है कि थाना नवाबगंज से एक सूचना निदेशक को प्राप्त हुई थी जिसमें कि स्टेट बैंक के खातों में फर्जी गबन करके कुछ पैसे लाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, और उसकी जो है संदिग्ध तरह से कार्रवाई कर रही है। इसको देखते हुए इस पर उन्होंने जाँच कराया, फिर सीसीटीवी टीम लगा करके जाँच में पाया गया कि कुछ व्यक्ति मिल करके फर्जी GPF के नाम पर नई ID बना करके और पैसे निकाल करके स्टेट बैंक खातों में ट्रांसफर करा रहे हैं, और जिनके खातों में ट्रांसफर हो रहा है उनको कुछ रकम देकर बाकी रकम उसे ले ले रहे हैं। ये जब खुलासा हुआ इसमें मुकदमा कायम किया गया, मुकदमा कायम करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि अरुण वर्मा गोरखपुर में चंदी कार्यालय उनके बाबू हैं, और साथ में एक लेखपाल राजेश पाठक जो भी जो इसके दो इसके सहयोगी थे, ये लोग ID अपनी स्टेट बैंक का या किसी बैंक का खाता देते थे और वहाँ से पैसा से दबा कर ये लोग उसको निकाल के आपस में बांट देते थे। इस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 11 करोड़ की जो है भी हमारे पास है, जिसमें भी मकान, उनकी ज़मीनें और नगद पैसे भी हैं और बैंक में जमा हुए पैसे भी हैं। सर, कुछ कैश कितने बिल बनाकर घोटाला का काम चल रहा था? इसमें यह था कि ये फर्जी ID क्रिएट करते थे, ID क्रिएट करके उसके जो है GPF नाम पर ऐसे पर पैसा निकालते थे, एक बार में 7 से 8 या 9 लाख निकालते थे, 10 लाख से ऊपर निकालने पर बैंक से पूछताछ हुई, से बचने के लिए 9 लाख के निकालते थे, और उसको जिस अकाउंट में ले जाते थे उससे कुछ पैसा दे करके बाकी से निकाल लेते आपस बांट देते थे। कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अब तक 11 करोड़ तक इसका ब्यौरा दिया हुआ, लेकिन यह काफ़ी और बड़ा है। कैश की कितनी रिकवरी हुई है सर? कैश की रिकवरी 26,75,000 कैश रिकवरी है, और 1.5 करोड़ के आसपास जो है उनको बैंक खाते से कराए उसे पैसा पर हो गया। कुछ सामान भी बरामद हुआ? सामान में मैं जो है एक ज्वेलरी शॉप को भी सीज किया गया, जिसमें गोरखपुर में गोला खाता और साथ में लैपटॉप और भी इसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप है, और कर्मचारियों में ID वगैरह फर्जी ID। कितने लोगों को सर टोटल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है या कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोरखपुर से जो मंडी का बाबू है अरे राजेश पाठक, और साथ में 3 अन्य सहयोगी जिनके खातों में पैसा है जो सेव कर रहे थे या जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले लानू हो रहे हैं। सर, क्या कुछ और जिलों में ये जालसाजी का जो है धंधा और भी जिलों में चल रहा है इनका? अब इसको गंभीर जाँच की जा रही है।